तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, इनके मामले क्या है पूरा मामला? थाना शालीमार गार्डन पुलिस को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक एक गिरोह सक्रिय है जो कि फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट कराकर उनको सप्लाई करता है एवं इससे साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसी आधार पर आज मुखबिर की सूचना पर ताहिरपुर कट के पास से चेकिंग की गई, वहां पर तीन लड़के विनय, संजीव और अमित राठौर, ये तीनों गिरफ्तार हुए। इनके पास से एक लैपटॉप जिसके माध्यम से यह फर्जी इंश्योरेंस कंपनी का नाम देकर ठगी करते थे और उसके साथ दो मोबाइल फ़ोन तथा 180 लाइव एक्टिव सिम कार्ड बरामद हुए जिसका ये इस्तेमाल करते थे ठगी के लिए। उसके बाद इन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम विधि कार्यवाही प्रचलित है। सर, क्या कुछ शिकायत भी थी उन लोगों के खिलाफ ठगी की? हाँ, शिकायतें आ रही थी और मुखबिर के माध्यम से भी एक गिरोह का पता चल रहा था कि ऐसी गिरोह सक्रिय है। इस आधार पर हमने टीम बनाकर अपनी थाने की साइबर टीम की मदद से इसको अनावरण किया है। अभी तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके होंगे? इसकी जांच की जा रही है। कौन लोग हैं सर, क्या प्रोफाइल है तीनों को? ये तीनों पढ़े लिखे हैं और लैपटॉप के माध्यम से एक इंश्योरेंस कंपनी का हवाला देकर कॉलिंग करते हैं और उसके बाद ठगी करते हैं। ये छोटे छोटे ठगी करते हैं 5,000-7,000 रुपये, ताकि पुलिस और जिसके साथ ठगी हुई है वो ज़्यादा फॉलोअप ना कर सके। सर, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और ठगी के मामले आते जा रहे हैं, तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसी घटनाओं का अनावरण होने से जनता को भी एक विश्वास होता है और जनता में भी जागरूकता फैलती है कि हमें इन इन चीज़ों से बचना है, तो हम इसमें काम करते रहेंगे।